बड़ी सुरीली आवाज दे विच जे आपां उम्र दी गल करिए तो उम्र दा इत्थे कोई तजाजो नहीं हुंदा इत्थे तां मन दे विच चाउ होना चाहीदा है ते बहुत ही सुचजे ढंग दे नाल गुरु साहिब शहीदां दी वार तां गाई है सो नाल दे नाल बेनती करदी है ईश्वर मीडिया जो यूट्यूब ते अपने सामने ये लाइव चल रहा है ईश्वर मीडिया सो इन्हों का भी धन्यवाद इतने पहुंचे ने सो दो चार मिनट वास्ते ये भी सिंह साहब जी इन्हों का भी खून जरा उबाला मार रहे हैं कहते बाबा जी असं भी दो चार मिनट लाने ने सो ये भी पांच मिनट लाने सो इन्हों का भी धन्यवाद असं उन्होंने सारे का धन्यवाद करते हैं जेडे खालसा पंथ के नाल खून करके जुड़े हुए ने श्रद्धा करके जुड़े हुए ने असी सारे का धन्यवाद करते हैं दिल दी गहराइयां चो जो बैठे घर सुन रहे हैं और यूट्यूब राही ईश्वर मीडिया का यह प्रोग्राम सीधा प्रसारण जो चल रहा है आप देख रहे हो सो सारे का धन्यवाद इतने हम दो चार मिनट की कविता जी है ये साढ़े सिंह साहब जी सुनाएंगे जो लाइव कर रहे हैं इन्होंने मन में भी आई है कि बाबा जी असं थोड़ा समा लाना मिल जाऊगा जरूर मिलेगा असं खुद समा सिंह का घट कर देवे जो मन में है कि असं कुछ कहना है सो उन्होंने समा जरूर दिता जाएगा सो बेनती है सिंह साहब ने भी अपनी कविता जी है ये बोल सकते हैं ये बेनती प्रवान वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल चवर छत्र पत्र दे मालक लोक परलोक दे सहायक हाजर नारे सतगुरु दसां गलां दी जागदी जोत जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराजां दी पावन अते पवित्र हजूरी दे विच जुड़ मिल बैठी सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी लवाओ हाजरी आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तुहाडे भाई इलाका निवासियां दे वड्डे भाग हन जो तुसी उस महान योधे संदीप सिंह सिद्धू दीप सिद्धू की याद विच इकत्र होए हो सासन गुरबाणी दे विच फरमान आउंदा है जननी जने ता भगत जन कै दाता कै सूर नहीं ता जननी बाग रहे काहे गुवावे नूर ऐ माता जे तू किसी पुत्र नूं जन्म देना है ओ नाम जपण वाले नूं भगत नूं जां सूरमे नूं जां किसी दानी नूं जन्म दे जे तू ऐसे पुत्र नूं नहीं जन्म देना महाराज दी बाणी देखो कितनी कड़ड़ी सास संगत हदायत करदी है कहिंदे नहीं ता जननी बाग रहे काहे गुवावे नूर जिथे आपां दीप सिद्धू नूं याद करदे आ सास नूं उहनां दी माता वी कितनी धनता दे योग होवेगी जिसने ऐसे योधे सास मसूर में जन्म देना किया आओ पांच मिनट का समा मिले आपा ज्यादा समा नहीं लाना क्योंकि बहुत ही बुलारे ढाडी जथे कथावाचक कीर्तनी पहुंच रहे हैं आओ आपा दीप सुधरी याद च एक हफ्ता द्वारा हाजिर लवाइए पिंड उदे कारण मुक्त सर जिले अंदर पिंड उदे कारण मुक्त सर जिले अंदर इस दुनिया विच आया सी दीप सिद्धू सरदार सुरजीत सिंह दे ग्रह विखे खुशियां खेड़े लियाया सी दीप सिद्धू एल एल बी तक कीती पढ़ाई उसने फिल्मा विच भी छाया सी दीप सिद्धू बड़े मान सन्मान सन मिले उस नूं बड़े मान सन्मान सन मिले उस नूं सब दे दिल नूं पाया सी दीप सिद्धू तिन्ने काले कानून जद होए लागू तिन्ने काले कानून जद होए लागू उदों सामने आया सी दीप सिद्धू किसान मोर्चा जदों सी शुरू होया गौर नाल सुनियो जी किसान मोर्चा जदों सी शुरू होया सब कुछ बात लाया सी दीप सिद्धू आ नौजवानां दे दिलां दी बण धड़कण सब नूं शामिल करवाया सी दीप सिद्धू अणखी बोलां विचारां नाल अपील सब नूं जोश जज्बा जगाया सी दीप सिद्धू कुछ कु सालां च कर कर कम वड्डे नवें पूरने पा गया दीप सिद्धू
करदा रहा सी टाकरा दोखियां दा सब नू अगे सी ला गया दीप सिद्धू ना ही डोलिया दरिया ना किसे कोलों ऐसी जुत दिखा गया दीप सिद्धू। देखो कई कहेंगे जी सानू की लोड़ा बोलना दी रोटी का सारी खाने चाहे कोई जिम्मेदार है चाहे कोई मिस्त्री है चाहे कोई कोई भी है चाहे ब्राह्मण है चाहे पंडित है साध संगत चाहे कोई बाणी परमला यह मसला साध संगत से सारी कौम का साध संगत सास में जान तो देखो सारे नहीं प्यारी है कोई नहीं चाहता कि मैं मर जावा पर स्वार्थ वास्ते अपने स्वार्थ वास्ते आप सारे ही करते हैं पर देश को वास्ते कोई बिरला ही करता है पर उपकार खातर सारी दुनिया के लोगों के दिलों उत्ते छाप सच दी ला गया दीप सिद्धू अग अणख दी बाल के दिलों अंदर बुझ गए दीप जगा गया दीप सिद्धू रहंदी दुनिया तक जेरी नहीं बुझ सकनी ऐसी शमा जला गया दीप सिद्धू जीदे नाल कोई मत्था नहीं ला सकिया मत्था ओदे नाल ला गया दीप सिद्धू हाथ शमशीर फड़के दिल दी गल सुना गया दीप सिद्धू अणख नाल जिउणा अणख नाल मरना सब दे पाई समझा गया दीप सिद्धू आप सौ के सदा दी नींद आप सौ के सदा दी नींद गुरदेव सुती कौम जगा गया दीप सिद्धू सारे दिलां दे उत्ते पंजाबियां दे अपना नाम लिखवा गया दीप सिद्धू अपना नाम लिखवा गया दीप सिद्धू बोल गया एक नहीं बेंत भुला हो जांदियां खिमा दे जाचका साथ में इतनी हाजरी प्रवान करनी कोटान कोट धनबाद दूजा सोना जी का प्रबंध का धनबाद जिन्होंने दासी लगाने की सारा प्रोग्राम यूट्यूब उपर ईश्वर मीडिया चैनल से लाइव चल रहा भाई फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई यहो जे साडे मीडिया वाले होने चाहिए जिन्हों के खून और जाग की जमीन वाले ने बाकी का मुझे पता नहीं दास बड़ा खुश होया इस सिंह की नौजवान की कविता सुन के क्योंकि मन के उबाला है मन के उमंग है तरंग है कि असी बाई के पाए हुए पूर्णिया से चलना है पहरा देना है जे असी पहरे सारे रल के देवे तो यह दिन दूर नहीं जेदर थोड़ी अपनी साड़ी सारे की अपनी हुकूमत होगी अपना राज होगा साडा अपना घर होगा उधर दूर नहीं है इस तरह सारे के मन के जज्बा होना चाहिए तो सारे जग की जमीर के नाल अपन पिछलिया सारिया नौसा छड़ के एक मुकाम के थले एक शत्र शाह के थले एक निशान शाह के थले इकट्ठा हो जाना चाहिए सो इन्हों का बड़ा धन्यवाद जिथे मीडिया का काम करते हैं ईश्वर मीडिया यूट्यूब से लाइव चल रहा उतने इन्हों का यह भी धन्यवाद कि गुरु साहब महाराज की कृपा के नाल संगत संगत ने निहाल किया कृपाल सिंह सो बेनती है महापुरख पहुंच चुके ने कल्याण वाले सो इन्हों मिनट का समा दिता जाता है सो बेनती प्रवान करना जिड़िया संतान दास द्वारा फिर बेनती करते हैं आसे पासे ने क्योंकि एक छोटी जी बेनती कर दवा जिस किसी को कोई बीमारी हो इलाज ना हो संगत आके बैठ जो दास दावे कहें कि अज तो इस समागम के सारी बीमारी गुरु साहब जी दूर करेंगे साड़ी गरंटी है क्योंकि इतने दिल तो गल हो रही है इतने कोई लोग विखावा नहीं चल रहा इतने गुरु साहब की गल हो रही है इतने शहीदों की गल हो रही है इस उस कौम की गल हो रही है जो गुरु नानक साहब महाराज ने साजी है और अज तक सदीवी तक सदियों तक रही दुनिया तक इसे तरह ही अकाल पुरख वाहिगुरु के गुण गाँव रहेगी सो बेन